हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग यूट्यूब जरूर चलाते होंगे और यूट्यूब चलाते वक्त आप लोगों ने कई ऐसे क्रिएटर्स को देखा होगा जो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मैं यूट्यूब से लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई आखिरकार यूट्यूब से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यूट्यूब में एक चैनल बना करके पैसा कमा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एक नया चैनल क्रिएट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज में मैं आपको चैनल बनाने से लेकर के आप अपने चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, अपने चैनल को किस तरह से मोनेटाइज करा सकते हो, पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो 2022 में आप अपने चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की सोच रहे हो तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, तो सबसे पहले आप अपने एक नया ईमेल आईडी बना लो। क्योंकि देखिए, अगर आप एक नया ईमेल आईडी बना लेते हो तो होता यह है कि आपके नया ईमेल आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर आप अपने पुराने वाले ही ईमेल्स पे अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हो सकता है भविष्य में उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए। और अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तो ये समझ सकते हो कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गया है। तो मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सोच रहे हो या फिर एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप एक नया फ्रेश जीमेल अकाउंट बना लो। अगर आपको नहीं आता है कि नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। अब जाकर के ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों जगह वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार मोबाइल से कैसे एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए सिंपली आपको अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, और अगर आपने नया ईमेल बना लिया है तब तो ठीक है, नहीं बनाया तो सबसे पहले आप अपना एक नया ईमेल आईडी बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, इस लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर ये आपका पुराना वाला जीमेल आईडी है तो आपको नए वाले जीमेल आईडी को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो लोगो दिखाई दे रहा होगा उसके बगल में एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे जितने सारे आपके ईमेल्स हैं या फिर जितने आपके मेल आईडी हैं वो सारा का सारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो वाला आईडी चूज़ कर लेना है जिस आईडी पे आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो चलिए मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। उसको मैं जैसे ही चूज़ करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो हमारे ऊपर में लोगो चेंज हो गया, हमारे ईमेल आईडी आ गया। तो इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हमारा इस ईमेल आईडी के ऊपर कोई भी चैनल अभी क्रिएट नहीं हुआ है तो हमें इसका नया चैनल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे यूअर चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पे यूअर चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है और नीचे में आ रहा है क्रिएट चैनल का, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखो तो आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम यूनिक रखो। आप किसी का देखा देखी करके अपने यूट्यूब चैनल का नाम कभी मत रखना। जब भी आप अपने चैनल का नाम रखो हमेशा यूनिक रखने की सोचना, या फिर आप अपने नाम से भी रख सकते हो। जैसे कि मैं अपने नाम से रखा हूँ तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं चलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उमेश चंद्र शॉर्ट्स, ठीक है, ये गलत हो गया, उमेश चंद्र शॉर्ट्स मैं लिख दिया। उसके बाद ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पहले से आपने क्रिएट कर लिया है अपने लोगो वगैरह या फिर कोई आपने पिक्चर बना लिया है पहले से, तब तो ठीक है, अदरवाइज आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि किस तरह से अपने चैनल के लिए बेस्ट लोगो लगाया जाता है या फिर बनाया जाता है। आप चाहते हो कि पिक्चर लगाना तो इस पिक्चर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन अगर आप खुद का फोटो लेना चाहते हो तो ऊपर वाला, या फिर अपने गैलरी से चूज़ करना चाहते हो तो नीचे गैलरी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है जिस भी फ़ोटो को आप लगाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं आपको एक अभी टेम्पोरेरी करके दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो को यहाँ पे लगा के मैं इस तरह से चूज़ करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है, क्योंकि वो पिक्चर जब तक नहीं हो जाता तब तक नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हो क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक नया फ्रेश यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो उमेश चंद्र का ऑप्शन आ गया है, सॉरी यहाँ पे यूअर चैनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यूअर चैनल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारा देख सकते हो यहाँ पे उमेश चंद्र शॉर्ट्स
आ गया। अब यहाँ से अब मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कैसे इसमें वीडियोस अपलोड करते हैं, कैसे अपना नया लोगो बनाते हैं, कैसे चैनल बैनर लगाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहना, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। और कल हमारी जो वीडियोस आएगा उन वीडियोस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आप कैसे उसमें अपने यूट्यूब का नया पिक्चर लगा सकते हो या फिर अपना नाम चेंज कर सकते हो, उसका जो चैनल बैनर होता है उसे कैसे लगा सकते हो, सब कुछ प्रोसेस मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लेना। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।